चिड़िया ने शिक्षा प्रद बातें कह के बानर को ये समझाने की कोशिश किया कि बानर भैया जो हो गई सो हो गई, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं मौजूद है, तुम इसका उपयोग करो और अपने लिए एक सुरक्षित आश्रय का व्यवस्था कर लो। लेकिन बानर को ये बात समझ में नहीं आई। उसे लगा कि ये छोटी सी चिड़िया इस बेतरीब मौसम में मेरा मजाक उड़ा रही है, इसकी इतनी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सीएम झा और आज सुबह के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हर रोज हर सुबह एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। इन्हें दोस्तों सच लिखा है, जो भी छंद लिखने वाले हैं उन अनुभवी छंद के हिसाब से एक अच्छी सी छंद थी कि सीख वा को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बानरा घर में आका जाए। एकदम सही कविता चरितार्थ है, सही छंद चरितार्थ है कि सीख उन्हीं को दीजिए जो सीख के लायक है। चलिए एक छोटी सी कहानी, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नेचुरल कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि ये जो छंद है ये छंद किन पर सटीक बैठती है और किन के लिए ये छंद लिखी गई है। फाल्गुन का महीना चल रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, जैसा कि आमतौर पर होता है कि ठंडी के बाद यानी शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु के बीच में बसंत ऋतु के रूप में आसपास फाल्गुन का महीना आता है और जो फगुआ की बयार है वो बही रहती है। तो उस समय जो बारिश आती है खास करके वो बिन मौसम की बरसात है और उस बरसात जब भी बिन मौसम की बरसात होगी तो बहुत जोर की बिजली की कड़क, मेघ की गर्जना और मौसम पूरा व्याकुल रहता है। तो उस भी फागुन का महीना था और मौसम बहुत ही तेजी से परिवर्तित हो रही थी। मौसम परिवर्तित होने के साथ में ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और धीरे धीरे बूंदा बूंदी भी होने लगी और इस बूंदा बूंदी का मौसम भी सहायता कर रहा था। इस रिमझिम फुहार की बूंद में पूरा वातावरण, जो शांत वातावरण बसंत के मौसम का था, वो अशांत होता जा रहा था। सारे पशु पक्षी अपने अपने घर की ओर भाग रहे थे, सारे चिड़िया अपने अपने घोंसले में जा रहे थे, कोई खोड़र में जा रहे थे और जो चहल पहल रहती है वो चहल पहल, जैसे चिड़ियों की चहल पहल होती है सुबह और शाम में उनके घर से निकलने के समय, घर आने के समय, वो चहल पहल बढ़ गई थी। उसी समय जंगल में एक छोटी सी गोरैया चिड़िया अपने अंडे और बच्चे को लेकर अपने घोंसले में बैठ वातावरण के इस चहलकदमी का स्वागत कर रही थी, मजे ले रही थी। और वो बरगद का पेड़ था, उस पर विभिन्न प्रकार के बहुत से पशु पक्षी चिड़िया बसे रहते थे। बहुत सारी चिड़ियों का घोंसला भी था, कई तरह के जंगली मकान जिसको बोले, जैसे छोटे छोटे घर द्वार पक्षियों के, जिसको हम पक्षियों के घर बोलते हैं क्योंकि हमारे लिए वो घोंसला है, पक्षियों के लिए वो उनका घर भी है, थे और वो उसमें अपना बसेरा भी था। सभी आने वाले माहौल का, आने वाले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए अपने अपने घोंसला से चोंच निकालकर इंतजार कर रहे थे। उसी पेड़ पर एक बानर भी रहता था। बारिश हो रही थी, ठंड का थोड़ा एहसास था क्योंकि बरसात के बाद वाले शीत ऋतु के बाद वाली बारिश थी और ठंड लगने से वो जो बानर था उसका दांत किटकिटा रहा था, वो अपने आप को बेचैन महसूस कर रहा था और असहाय महसूस कर रहा था, तकलीफ में था। छोटी चिड़िया जो ये सब बहुत देरों से देख रही थी, एक्चुअली क्या थी, छोटी चिड़िया थी तो चिड़िया लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद और सूझबूझ वाली बात करती थी, बहुत ही सूझबूझ से रहती थी, बहुत समझदार चिड़िया थी। और कुछ जब वो किसी को समझाने की बारी आती थी, सलाह देने की बारी आती थी, तो शिक्षाप्रद बातें कहती थी जिससे कि अगले को मोटिवेशन मिले, अगले को कुछ शिक्षा मिले और आगे बढ़े। कुछ देर तक वो बंदर को पानी में भींगते हुए देखी, फिर उसे रहा नहीं गया और बोली, बंदर भाई तुम इतने बड़े हो, तुम्हारे जैसों के पास हाथ हैं, पैर हैं और लगता है कि मन मस्तिष्क भी होगा ही, क्योंकि हाथ पैर सही सलामत हैं, बड़े हैं, मजबूत हैं, तो मन और मस्तिष्क भी बड़े और मजबूत ही होगा। देखो मैं छोटी सी चिड़िया हूं, कमजोर हूं और बहुत अधिक सुविधा भी मेरे पास नहीं है, फिर भी अपनी इस पाँव और चोंच की मदद से मैंने कितनी सुंदर एक घोंसला बना लिया जहां अपने बच्चे अंडे के साथ में सुरक्षित हूं। और तुम अपनी सुरक्षा में घर नहीं बनाए, बाहर ठिठुर रहे हो और मौसम की मार सह रहे हो, ये तो सही नहीं है, अपने शरीर के साथ अन्याय है। अपने हाथों का उपयोग करो, अपने पैरों का उपयोग करो, मन मस्तिष्क का उपयोग करो और अपने रक्षार्थ
क्योंकि मौसम कभी हमारे अनुकूल और प्रतिकूल होते रहती है, तो अपने रक्षार्थ एक सुंदर सा घर बनाओ या जो भी चीजें तुम्हें चाहिए अपनी रक्षार्थ की व्यवस्था करो, तो कम से कम तुम्हें ऐसे मौसम में बाहर बैठकर ठिठुरना तो नहीं पड़ेगा। फिर वही बात जो पहली वाली लाइन है, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए। चिड़िया ने शिक्षा प्रद बातें कह के बानर को ये समझाने की कोशिश किया कि बानर भैया जो हो गई सो हो गई, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं मौजूद है, तुम इसका उपयोग करो और अपने लिए सुरक्षित आश्रय का व्यवस्था कर लो। लेकिन बानर को ये बात समझ में नहीं आई, उसे लगा कि ये छोटी सी चिड़िया इस बेतरीब मौसम में मेरा मजाक उड़ा रही है, इसकी इतनी शक्ति, और उसे बहुत क्रोध आया और वो पूरी ताकत के साथ खिसियानी बिल्ली के साथ खौ खौ करते हुए पूरा चिड़िया का घोंसला अंडा बच्चा सब तोड़ दिया, सब गिरा दिया। बच्चे कहीं और गिर गए, अंडे कहीं और गिर गए, ची 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 करके आवाज होने लगी। उस ठंड में चिड़िया का पूरा घर बर्बाद हो गया, उस पूरी बारिश और ठंड में बच्चे बिखर गए, अंडे बिखर गए। चिड़िया बहुत दुखी हुई, वो मन मन सोचने लगी कितना भला चंगा मैं अपने घोंसले में बैठी थी, बारिश का आनंद ले रही थी, बच्चों के सानिध्य में थी, बच्चे हमारे साथ खुश थे, क्या आपदा पड़ी, क्या बला आ पड़ी, इस दुष्ट को मैंने सीख दे दिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, और इसको जो सीख दिया उसके चक्कर में मेरी पूरी घर परिवार बर्बाद कर दिया। और दुखी दुखी वो भगवान को सोचने लगा, भगवान मैंने क्या गलत किया। तभी भगवान की तरफ से उसे एक संदेश आया जो किसी आदमी ने इस सिचुएशन को देख के लिखा कि सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बानरा घर दे आकाश। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है समाज में ऐसे ऐसे बानर बहुत भरे पड़े हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता का, आप अपनी जो उपयोगिता का, आप अपनी शिक्षा का, आप अपने ज्ञान का सब जगह प्रयोग ना करें। हो सकता है उस समाज में कोई बानर हो जो आपकी शिक्षा का सही ग्रहण के अलावा जगह आपको हानि पहुंचाने के लिए उसे अपने अंदर में ईर्ष्या भाव से ले ली। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि नासमझ को सीख देने में अपना नुकसान होने की प्रबल संभावना होती है। अतः कभी भी आप सीख दीजिए, ज्ञान दीजिए, अच्छी बातें कहिए, तो पात्र का चयन कर लेना चाहिए, और अगर वो पात्र हैं तो उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, उन शिक्षा का सदुपयोग होता है। अन्यथा अपना नुकसान करने के लिए कभी भी कुपात्र को, अयोग्य व्यक्ति को, नासमझ व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अच्छी शिक्षा ना दें, उसे अपने हाल पर छोड़ दें। तो दोस्तों धन्यवाद, कैसा लगा हमारा ये सुबह का पहला एपिसोड बताइएगा जरूर। हमारा ये व्लॉग चैनल नया है, एक सोच परिकल्पना नई है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन फिर अगले ब्लॉग के लेकर, और फिर देखते हैं आज पूरी दिन हम क्या करते हैं, चलेंगे कहीं कुछ काम में, हर रोज कुछ ना कुछ काम रहता है, आपके साथ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आज दिन भर हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।